वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं थोड़ा जहा इतिहास वाल ले जाना चाहना कि साडा ये जो अज कहान होया जो सिखी दा साडिया सिख संस्थावां दा सिख सियासत दा ये क्यों उहदे लई फिर मैं जो मैं समझदा ठीक सलूशन समझदा जो इतिहास दे विच दर्ज है उहदे लई मैं दो मिनट ही लवांगा कि सिख इतिहास नूं विगाड़िया गया अंग्रेज़ां वल्लों। सिख इतिहास को टोटली चेंज कर दिता गया जदों 16 नवंबर 1920 श्रोमणी कमेटी होंद में आती है, श्रोमणी अकाली दल होंद में आता है। तो देखो सिख कौम के हमेशा हर कौम के दो धड़े रहे हैं, एक गर्म ख्याली एक नरम ख्याली, एक कौम लिए लड़ते हैं एक कुर्सी लिए लड़ते हैं। साढ़े बच्चे सीगे तीन, एक गुरुद्वार जो मसंद सीगे, मसंदा तो काबू पा लिया करतार सिंह चप्पर हुणा ने मसंद कढ़े। इत्थे मैं ये कहना चाहुंदा कि जदों श्रोमणी कमेटी होंद च आ गई है ठीक 2.5 महीने बाद सानू पहला तोहफा मिलता है कि मैं गुजरांवाले नूं बिलोंग करदा सी, ओह ननकाणा आजाद कराउण वाले आ। की होया कि ठीक 2.5 महीने बाद ही पहला तोहफा सिख कौम नूं साका ननकाणा मिलता। साढ़े उत्थे शेखूपुर च साढ़े बुजुर्ग सानू जिवें साढ़े दादे परदादे दसदे रहे, मेरे पिता जी 90 साल दे हो के सुरगवास होए आ, सारियां गल्लां मतलब जो अखी वेख्या वो हाल दसदे हुंदे सी। होया कि शेखूपुर एक इकट्ठ कीता सिखा ने उत्थे इकट्ठे हो के नरैणू महंत जो गुरुद्वारिया च की बदफैलियां कर रहा उन्हूं किदां असी कढ़ना इत्थों, तां सरदार टहल सिंह ने उस इकट्ठ च खड़े होकर कहा कि मैनू सेवा बख्शो, जिदा सुखा सिंह महताब सिंह मसे रंगड़ का सिर वढ़ के लै गए सी मैं नरैणू का सिर वढ़ के लिया। उत्थे जिहड़े श्रोमणी कमेटी के नुमाइंदे सी उन्होंने कहा भी नहीं 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 बिल्कुल नहीं, असी शांतमई जाना, असी ये काम राज त्यागता, असी हथियारबंद राज त्यागता। और की रिजल्ट निकलिया कि दो जथे गए अरदास होई, एक सरदार लक्ष्मण सिंह धारोवाली ते दूसरा जथा सीगा सरदार करतार सिंह झब्बर दा, ननकाणा साहब वल नूं तुर पैंदे। श्रोमणी कमेटी नूं पता लग गया, उन्होंने जाके करतार सिंह झब्बर दा जथा रुकवा लिया कि नहीं तुसीं उधर नहीं जाना, अमृतसर वल आओ। करतार सिंह झब्बर नूं उत्थे रोक लिया सरदार दलीप सिंह चीमा घोड़ी ते, उत्थे पंज पुला पाकिस्तान दे विच जिथों पंज नहरां निकलदियां ने उत्थे लक्ष्मण सिंह धारोवाली दा जथा उत्थे पहुँच चुकिया सी। उत्थे जाके उह जथे नूं रोकदे ने चीमा साहब ते कहिंदे आ वी आह फैसला श्रोमणी कमेटी ने लै लिया, ननकाणा साहब आपां अज नहीं जाणा। लक्ष्मण सिंह सरदार लक्ष्मण सिंह कहिंदे मैं अरदास कर चुक्या मैं जाणा जो मर्जी हो जाए, और निहत्थे हथियार कोई हथियार नाल लै के नहीं गए श्रोमणी कमेटी दीआं हदायतां मुताबक। 382 सिंह शहीद होए उत्थे, एक नैणू बंदा 382 सिख शहीद होया जो इतिहास लिखिया। उत्थे मेरे मित्र ने डॉक्टर मुहम्मद अजहर विरक, उन्होंने किताब लिखी है, उन्होंने एक एक पिंड का जिक्र किया कि पिंड के किन्ने सिंह सीगे, कोई बीबी नहीं सी कोई बच्चा नहीं सी, 382 सिंह उन्होंने जिस तरह मार मार के अग लाला साड़िया। फिर करतार सिंह झब्बर नूं जदों पता लगता तो 2200 सिंघां दा जथा लैके हथियारबंद जथा लैके करतार सिंह झब्बर जांदा और डांग दे नाल चाबियां लैंदा। इत्थे मैं ये गल कहना चाहुंदा कि साडा की होया कि दो कौमां दे दो धड़े सी, एक सीगे जुझारू जंगजू सिख, एक सीगे शांतमई सिख, साडा वो धड़ा खत्म कर दिता गया। अज तक 100 साल च श्रोमणी कमेटी ने शहीद ऊधम सिंह की बरसी नहीं मनाई, सरदार भगत सिंह की बरसी नहीं मनाई, सरदार करतार सिंह झब्बर की कदे बरसी नहीं मनाई, जिन्हें योधे शहीद होए हैं बरसी नहीं मनाते, सुखा सिंह महताब सिंह के पिंड माड़ी कंबो की अमृतसर कदे वेला नहीं लाया कि सिर्फ इन्हां नूं एक पासे खत्म कर दिओ। अज साडा हशर तां होया। मैं हुण इत्थे ये तो इतिहास तुसीं सारे जाण दिओ पढ़ लोगे। दूजा साडे नाल धक्का की होया कि अंग्रेज़ की जो पॉलिसी सी उन्हें तो करती, नहरू गांधी अंग्रेज़ों के यार सी, उन्हें इन्हां नूं पढ़ाता कि ये जिहड़े शेखूपुरीए गुजरांवालीए लाहौरीए ने इन्हां नूं पंजाब च नहीं रहिण देना, इत्थे जमीन अलाउट नहीं करनी, ये लड़नगे तेरे नाल हरियाणा यूपी MP राजस्थान दाणिया वांग खिलारते, जो अज तक इकट्ठे नहीं होए। ये साडी कौम की त्रासदी है। 10 लाख पंजाबी का कतल होया, मैं उहदे लई जिम्मेवार श्रोमणी कमेटी श्रोमणी अकाली दल की उस टाइम की लीडरशिप नूं मन्नदा। जो मर्जी कही जाण साडा की कसूर है, साडे लीडर कड़ा बेवकूफ सी, पर होया उहदी जिम्मेवारी इन्हां नूं लैणी चाहीदी है। सैकेंड, अज दो धड़े हैं असं, अज श्रोमणी कमेटी को किवें बचाउणा है, अकाल तख्त को किवें बचाउणा है। मुद्दा सरदार हरसिमरत सिंह का बहुत वधिया, चिंता है हर बंदे नूं। बचाउण लई इक्को ही रस्ता है कि श्रोमणी कमेटी गुरुद्वारिआं दी सांभ संभाल सिख लीडरां कोल होवे, जो सियासत करदे आ जिन्हां ने गुरमुख दा पैसा खाणा,
जिन्हां ने गुरु घरां दा खाणा वह मसंदां दी पहला ड्यूटी सी हुण एचपीसी दी ड्यूटी है वह खाई जाओ सानू कोई इतराज़ नहीं जिहड़े असी जुझारू सिख कौम लई लड़ रहे हैं कौम की आजादी लई लड़ रहे हैं अकाल तख्त उन्हां नूं सौंपिया जाए जथेदार अकाल तख्त श्रोमणी कमेटी के अधीन ना हो जथेदार अकाल तख्त गर्म ख्यालिया को हो दोवें मिल के चलन तुसी साडी ढाल बनो असी तुहाडी ढाल बनीए देखांगे किहड़ा मता पास करदा है किहदी जरूरत है श्रोमणी कमेटी बलाक चुके विखे किहदी जरूरत है कि सिख कौम की किसी संस्था नूं भंग करे ये दो चीज़ां जद तक मिल के नहीं चलदियां तुसी कख नहीं कर सकते ये मेरी बेनती है बाकी जो भी विचार दे रहे हैं सुझाव दे रहे हैं लागू करने बड़े औखे है पर मैं ये कह रहा कि जे एस जी पी सी ने पीसफुली अकाल तख्त नू गुलाम बनाया होया ना छड़िया तो एक दिन सिख कौम के खाना जंगी होगी अकाल तख्त आज़ाद करावे जिस तरह कराया सी 86 भाई गुरदेव सिंह कौके बनाए सी एक दिन फिर बनेगा वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की भाई साहब वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह जैसा जरा सैमीनार होया ये बारे थोड़े की विचार है थोड़े तुम भी इतने बोले हो तुम सारे सुने की निचोड़ कर दे तो पक्ष की है देखो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिख संस्थावान बचाने लिए तो अकाल तख्त साहब की मर्यादा कायम रखने लिए जो भाई हरसिमरन सिंह जी ने यह पंथक चेतना का एजेंडा चुकया है बहुत शलाघायोग है और उन्होंने बहुत सोहनिया किताबा लिखिया इस कि सिख कौम संस्थावान अकाल तख्त साहब न जिमें कि बचाया जा सकता है जो अज सिखा की हालत है इन्नी निगर चुकी है संस्थावान की हालत अकाली दल खत्म हो चुका है वो वास्ते उन्होंने जो उपराला किया चंगा पर मैं ये तो हट के थोड़ा ये सुधार की होने चाहिए उन्होंने बड़े अच्छे सुझाव दिते हैं पर मैं ये चाहना कि मैं थोड़ा जहा इतिहास की गल करना चाहता कि सिख कौम की बदकिस्मती कहना चाहता कि जदों श्रोमणी कमेटी होंद च आई है अकाली दल होंद च आया हर कौम के दो धड़े होंगे एक नरम ख्याली एक गर्म ख्याली एक कौम वास्ते लड़ते हैं कौम की होंद वास्ते लड़ते हैं एक होंगे जोड़े पोलीटल बंदे होंगे अपनी कुर्सी वास्ते या गोलक वास्ते लड़ते हैं जदों तो होंद च आए इन्होंने जोड़े जुझारू सिख सके लड़न वाले योधे से उन्होंने एक त पासे कर दिता अज तक श्रोमणी कमेटी ने शहीद ऊधम सिंह वर्गे भाई शहीद सरदार भगत सिंह वर्गे शहीद सराभा वर्गे भाई सुखा सिंह महताब सिंह वर्गे किसी दियाँ बरसियां मन इन्होंने योधिया दियाँ नहीं मनाईया कदे करतार सिंह झब्बर की बरसी नहीं मनाई श्रोमणी कमेटी ने जिन्होंने ननकाणा याद कराया मैं ये चाहना कि जदों नरम धड़ा तो गर्म धड़ा दोवें मिल के चलन कौम जीती रहती है जिथे केवल नरम गर्म धड़े इग्नोर ही कर दिता जाए जो कुचल ही देने की कोशिश की जाए उत्थे कौम का यही हाल हों जो अज साड़ी कौम का हाल है उन्हों का कोई डर भै नहीं रह जाता उन्हों तो कोई नहीं डरता हर एक लंडी बुची उस कौम से वार करता और हो रहे हैं साढ़े तो अच्छ सिख संस्थावान से जिमें वार हो रहे हैं गुरधामा वार हो रहे हैं बेदबियां हो रही ने यह सारा कुछ उस सिटा कि कौम का डर पै वो योध्या का खत्म हो गया मैं ये बेनती करना चाहना बेनती नहीं मैं ये ऐलान ही करना चाहना कि जे कौम जिंदा रखना तो श्री अकाल तख्त साहब वो गुरुद्वारा नहीं वो तख्त है तख्त जोड़ा है वह गर्म ख्यालिया को चाहिए जिहड़ी शुरू गुरुद्वारा की सांभ संभाल है गोलक है वह एस जी पी सी को रवे अकाली दल को रवे ये वो छकन पर सिंह इस पूजा के धार में संगत के दसवंध में हाथ नहीं लाते जिहड़े सिंह लड़ रहे हैं कौम लई जूझ रहे हैं उन्होंने अकाल तख्त का जथेदार जोड़ा वो गर्म ख्यालिया का होना चाहिए और गर्म ख्याली और नरम ख्याली मिल के चलणगे तो कौम बचेगी जे नरम ख्याली ये चाहन के असी गर्म ख्याली खत्म करते ने इन्हों का कोई वजूद नहीं रह गया ये बड़े भुलेखे च है मुड़ के आवेंगे असी बड़ा व्डा संघर्ष लड़िया और अकाल तख्त आजाद करावे जिस तरह कदे भाई गुरदेव सिंह कौके उ बिठाया सी और फिर एजेंसियां ने सर इन्होंने नरम ख्यालिया ने जिस तरह संत जी ने मरवाया जिस तरह इन्होंने जो कुछ किया इन्होंने कौम का घाण करवाया वो जोड़ा वो बंद होना चाहिए अज भी लोड़ है कि नरम ख्याली गर्म ख्याली मिल के चलन अकाल तख्त साहब जोड़ा वो तख्त है देखो गुरु महाराज गुरु ग्रंथ साहब की रचना पहला हो चुकी सी गुरु अर्जन पातशाह ने करवाई अकाल तख्त गुरु हरगोबिंद साहब ने बनाया जदों सिखी ते जुल्म होया जदों गुरु तेग अर्जन देव जी ने शहीद किया गया फिर अकाल तख्त की लोड़ पई अकाल तख्त जरूरी है जे तुहाडे ते जुल्म हुंदा ते उत्थे फिर अकाल तख्त तकर लैंदा जिहड़ा तुहाडा धर्म प्रचार है सिखी का प्रचार है गुरु घर का वो तुसीं संभालो करो सानू उहदे नाल कोई लेना देना नहीं असीं कौम वास्ते लड़ रहे अपने वास्ते नहीं तुसीं अपने वास्ते लड़ रहे हो कौम वास्ते नहीं तुसीं गुरु घर संभालो गोलक संभालो खाओ ना खाओ साडा कोई लेना देना नहीं तुसीं मंत्री बनो एम एल ए बनो एम पी बनो बनते रहो
पर साडा नुकसान ना करो, साडे विरोध ना जाओ, तुसी सानू सपोर्ट करो कि गर्म ख्याली भी चाहिए ने, नर्म ख्याली भी चाहिए, जे दोवें धड़े हैगे ने तो वह कौम की शान है, नहीं तो जो तुहाडी अज दुर्गति हो रही है वो हुंदी रहनी है, तुसी कदे भी कामयाब नहीं हो सकते।